बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज की जो न्यूज़ है वो धमाके वाली न्यूज़ है, क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA जो बिल्डिंग्स का निर्माण करती है दिल्ली NCR के अंदर, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है फौजी भाइयों उनकी विधवाओं के लिए। जो फ्लैट होते हैं 1 BHK फ्लैट, 2 BHK फ्लैट हाफ रेट में आपको मिलेंगे, और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। बहुत सारे जो चैनल हैं उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दिखाई है, लेकिन पूरी जानकारी किसी ने नहीं दी है। हमारे पास जैसे ही ये न्यूज़ आई है, ये कल ही ये न्यूज़ आई है, और जैसे ही ये न्यूज़ आई है हमने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया, और अलग अलग जो चैनल, अलग अलग जो न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से क्या निकल के आया है वो हम आज आपको यहाँ पे बताएंगे। लेकिन हाँ, न्यूज़ सच है, फौजी भाइयों के लिए ये स्कीम है, और ये स्कीम सिर्फ जो NCO होते हैं यानी सिपाही से हवलदार रैंक तक के जो लोग होते हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट ने है स्कीम निकाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है वो सिर्फ आपको काम की चीज़ें दिखाते हैं जो आपके ही संबंध में होती हैं, और पूरी रिसर्च करके हम आपकी ये जो वीडियो है वो बनाते हैं। कोई झूठ किसी प्रकार का कोई भी आपको जो है झूठ इसमें नहीं दिखाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है इसके बारे में बात करें। DDA फ्लैट्स एट लोअर रेट फॉर पॉवर विडोज। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इज गोइंग टू सेल फ्लैट्स इन रोहिणी एंड नरेला एट ए कंसेशनल रेट टू विडोज ऑफ सोल्जर हु डेड इन वार एंड रिसिपियंट ऑफ ग्लेंट्री अवार्ड ऑफ डिफेंस एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेज। द फ्लैट्स विल बी रोवाइडेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एज ए पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ऑन फ्राइडे एट 3 PM। यानी कि फ्राइडे को 3 बजे ये जो योजना है ये लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। और ये मिलेगा किसको, जो ग्लेंट्री अवार्ड विनर हैं, जो फौजी भाई हैं और उनकी जो विधवाएं हैं और वार विडोज़ हैं, और रैंक जो होगा उनका NCOs तक के रैंक वाले जो होंगे उनको ये सुविधा मिलेगी। द लैंड ओनिंग एजेंसी विल अलॉट द 1 बेडरूम फ्लैट ऑन फ्री होल्ड बेसिस एट द कंसेशनल कॉस्ट ऑफ 7 लाख। यानी कि ये जो फ्लैट्स हैं ये सिर्फ 7 लाख रुपए में आपको 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा इसमें, और ये मिलेगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, फर्स्ट सर्विस। इसमें कोई ड्रॉ नहीं निकाला जाएगा, कोई भी इस टाइप का कोई भी प्रावधान नहीं है कि मतलब कि कोई पर्ची निकाली जाएगी, कोई ड्रॉ निकाला जाएगा, नहीं। ये फर्स्ट कम पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से इसको निकाला गया है। 7 लाख रुपए में, सोचिए आपको 7 लाख रुपए में दिल्ली में आपको 1 BHK फ्लैट मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्कीम निकाली गई है। कन्वर्जन रेट जो रहेगा वो 28,080 रहेगा। दीस फ्लैट्स आर लोकेटेड इन सेक्टर 34 एंड सेक्टर 35। सेक्टर 34 और 35 में फ्लैट रहेंगे रोहिणी के, और जो एंड सेक्टर G2 एंड सेक्टर G8 इन नरेला, नरेला में G2 और G8 में रहेगा। जो एरिया है फ्लैट्स का वो 33 square meter टू 33.8 square meter अप्रोक्सीमेटली रहेगा। अपार्ट फ्रॉम वार विडोज द रेसिपियंट ऑफ ग्लेंट्री अवार्ड ऑफ डिफेंस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज पर्सन हु हैव गॉट इंजर्ड और डिसेबल ड्यूरिंग एक्शन ऑफ और वार और ऑल्सो एलिजिबल फॉर द हाउसिंग स्कीम। यानी कि वॉर विडोज़ के अलावा ग्लेंट्री अवार्ड मिले हुए जो लोग हैं और पैरामिलिट्रीज जो फोर्सेज होती हैं उनके जो लोग हैं, जो लोग वार ड्यूरिंग वॉर जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। द स्कीम हाउएवर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली नॉन कमीशन एंड नॉन गैजेटेड पर्सनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉन कमीशन और नॉन गैजेटेड पर्सनल के लिए जो स्कीम है निकाली गई है। अप्लीकेंट्स विल हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट इशूड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्म फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी। यानी एप्लीकेंट को सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ने जो जारी किया होगा, आर्म फोर्सेज ने किया होगा या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज के थ्रू जो सर्टिफिकेट होगा वो। इसकी पूरी जानकारी आपको जो है
डीडीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसका फॉर्म भी आपको वहीं मिलेगा। अब द टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू ने क्या लिखा है, 1000 फ्लैट्स पुट ऑन ऑफर वार विडोज गैलेंट्री अवार्ड विनर। इन्होंने लिखा है, इन्होंने संख्या भी दी है, यानी 1000 जो फ्लैट हैं, 1000 फ्लैट्स जो हैं रोहिणी और नरेला में दिए जाएंगे फौजी भाइयों और उनकी विधवाओं को। कोई ड्रॉ कंडक्टेड नहीं किया जाएगा, जो इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए उनको पहले और पहले पाओ के हिसाब से दिया जाएगा। 7 लाख ईच, यानी द फ्लैट अंडर द स्कीम विल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 7 लाख ईच, विच इज़ लेस देन हाफ द प्राइस ऑफ 15 लाख ईच विच वॉज ओरिजिनली डिसाइडेड। यानी कि इसका जो कॉस्ट डिसाइडेड किया हुआ है 7 लाख रुपये डिसाइड किया गया है, ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 15 लाख है, लेकिन जो फौजी भाइयों के डिस्काउंट करके 50% डिस्काउंट इसमें दिया जा रहा है, 7 लाख रुपये में आपको ये फ्लैट मिल जाएगा। तो यही चीज़ है इसके अंदर। इसमें एक खास बात ये है, इसमें जो लिखा गया है कि इस फ्लैट को फौजी भाई 10 साल तक बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि आप उसको खरीद लेंगे और तुरंत बेच देंगे, बेच पाएंगे लेकिन 10 साल के इंतज़ार के बाद, ठीक है। जब आपको पोजीशन मिलेगा उसके 10 साल के तक आप उसको नहीं बेच पाएंगे। अब अगले चलते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है, इन्होंने भी वही लिखा है, अनसोल्ड डीडीए फ्लैट्स फॉर डेकोरेटेड डिफेंस पर्सनल वॉर विडोज। इन्होंने भी सेम चीज लिखी है, नॉन कमीशन ऑफिसर को मिलेगा नरेला में और रोहिणी में सेक्टर 34, 35, G2 एंड G8 में मिलेगा, और वही चीज इन्होंने लिखी है, इन्होंने भी एरिया दिया है 33.251 स्क्वायर मीटर से 33, ठीक है, 7 लाख जो है इसका प्राइस रहेगा। एटलीस्ट 7000 अलॉटीज ऑफ डीडीए स्कीम रिटर्न देयर हाउसेज विद इन 45 डेज ऑफ द ड्रा ऑफ लॉट्स। यानी कि इसलिए किया गया है क्योंकि 7000 लोगों ने अपना जो ड्रॉ था वो वापस ले लिया था 45 डेज के अंदर, और उनके पास जो यूनिट्स थी वो कम बच गई, मतलब ज़्यादा बच गई थी डीडीए के पास, वो बिकी नहीं थी, जिसकी वजह से ये किया गया है। तो डीडीए हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट एन ऑनलाइन सर्वे अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना टू असेस द हाउसिंग डिमांड इन द नेशनल कैपिटल। उसके बाद जो है इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्होंने सर्वे किया, और जो डिमांड के हिसाब से उन्होंने फिर इसके इन जो ये जो फ्लैट्स हैं उनको उनके लिए योजना निकाली गई है। अब अमर उजाला की बात कर लेते हैं, अमर उजाला क्या लिख रहा है इसके लिए, युद्ध में शहीद जवानों की विधवाओं के लिए डीटीए की सौगात, सिर्फ 7 लाख में मिलेंगे फ्लैट। तो दोस्तों, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली डीडीए युद्ध में शहीद हुए जवानों के विधवाओं के लिए सौगात लेकर आया है। डीडीए रोहिणी और नरेला में कुछ ऐसे फ्लैट्स बेचने जा रहा है जो कम दाम के होंगे, और युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाएं, वीरता पुरस्कारों के विजेता और अर्धसैनिक बलों के जवान इसे खरीद सकते हैं। यह फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे। यह योजना शुक्रवार दोपहर 3 बजे लॉन्च होगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया था वही चीज़ मैं रिपीट कही है। डीडीए स्कीम के तहत एक बेडरूम वाला फ्लैट सिर्फ 7 लाख रुपए में आवंटित किया जाएगा, और कन्वर्जन चार्जेस के रूप में 20,080 रुपये अलग से लिया जाएगा। यह फ्लैट रोहिणी के सेक्टर 34 और 35 व नरेला के सेक्टर G2 और G8 में स्थित है। फ्लैट का क्षेत्रफल 33.2 स्क्वायर मीटर से लेकर 33.8 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाएं, वीरता पुरस्कारों के विजेता, अर्धसैनिक बलों के जवानों के अलावा वो लोग जो घायल हैं या किसी दुर्घटना या युद्ध के समय दिव्यांग हो गए हैं, वो भी इस स्कीम के तहत मकान ले सकते हैं। हालांकि यह स्कीम केवल नॉन कमीशन और नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लिए है। आवेदनकर्ताओं को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, आर्म्ड फोर्स, अर्धसैनिक बलों के द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट अपनी योग्यता के तौर पर दिखाना होगा। तो ये अमर उजाला ने लिखा है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूज़ स्टेट में क्या लिखा गया है। डीडीए ने शहीदों की विधवाओं को दिया बड़ा तोहफा, महज 7 लाख रुपए में मिलेंगे फ्लैट, डीडीए हाउसिंग स्कीम 2019। तो इन्होंने क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं।
डीडीए ने युद्ध में शहीद जवानों के विधवाओं के लिए बड़ा दिल दिखाया है और उनके लिए एक बेहतर सौगात की पेशकश की है। डीडीए शहीदों की विधवाओं के लिए कुछ ऐसे फ्लैट्स बेचने जा रहा है जो युद्ध में शहीद जवानों की विधवाओं के लिए कम दाम के होंगे। डीडीए की यह स्कीम मौजूदा समय में रोहिणी और नरेला में दिए जा रहे फ्लैट्स पर लागू की है। यह फ्लैट्स युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाएं, वीरता पुरस्कारों के विजेता और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए है। डीडीए की यह स्कीम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। इन फ्लैट्स का आवंटन ऑनलाइन योजना के तहत किया जा रहा है। यह योजना स्कीम के तहत डीडीए के शहीदों के विधवाओं के पात्रित लोगों को एक बेडरूम वाला फ्लैट सिर्फ 7 लाख रुपये में आवंटित करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई है। डीडीए की स्कीम में युद्ध में शहीदों की विधवाओं, वीरता पुरस्कारों के विजेता और अर्धसैनिक बलों के जवानों के अलावा उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो घायल हैं, किसी दुर्घटना या युद्ध के समय दिव्यांग हो गए हैं। ऐसे लोग भी इस स्कीम में पात्र हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि यह स्कीम केवल नॉन कमीशन और नॉन गजेटेड कर्मियों के लिए ही है। अप्लाई करने वालों को अपनी योग्यता के लिए उचित सर्टिफिकेट भी दिखाने होंगे। दोस्तों, ये थी आज की जो बड़बड़ाती हुई धमाकेदार न्यूज़। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है, शेयर नहीं कर रहे हैं आप वीडियोस को, ठीक है, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम पूरी जी जान से कोशिश करते हैं आप लोगों तक सही न्यूज़ पहुंचाने की, लेकिन इसी के साथ अगर हमें थोड़ा सा प्यार आपकी तरफ से मिल जाता है तो हमें भी खुशी होती है काम करके। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों तक, लोगों तक पहुँचाइए, हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए, हर एक व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का जो लाभ है वो उठा सकेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हुए, भारत माता की जय।